दोस्तों एक इमेज है मेरे पास, आप देखेंगे ये PNG बैकग्राउंड होती है इस तरह की, पीछे डॉट्स वाली, ग्रे और वाइट जो डॉट्स होते हैं, लेकिन ये JPG इमेज है, लॉकेट इमेज। और एक बैकग्राउंड है मेरे पास, ये बैकग्राउंड मैं इस पे लगाना चाहता हूँ, तो ये इस तरह से लगेगी नहीं क्योंकि ये JPG इमेज है। और हमें करना क्या है, इस तरह की बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए फोटोशॉप 7.0 में बहुत ही आसान ट्रिक है। आपके पास चाहे कोई भी वर्जन हो फोटोशॉप का, उन सब में ये ट्रिक काम करेगी। हम इस तरह की बैकग्राउंड को फोटोशॉप में तीन तरीके से हटा सकते हैं। वो तीनों तरीके क्या क्या है, चलिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली ट्रिक तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, पेन टूल या लेसो टूल लेके अपनी इमेज का सिलेक्शन बना लेना है, जैसे कि पेन टूल लेके, और इस तरह से हमें इमेज का सिलेक्शन बना के और इमेज को अलग कर लेना है, बैकग्राउंड को अलग कर लेना है। पहला तो ये है, इस तरीके से हमें अपनी बैकग्राउंड को हटा सकते हैं। और दूसरा तरीका है, हमें मैजिक टूल लेंगे और जैसे ही हम देखिए मैजिक टूल पे आप वाइट पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रे वाले जो डिब्बे हैं ये हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे, और हम ग्रे पे क्लिक करेंगे तो वाइट वाले इस तरह से सिलेक्ट हो जाते हैं। इसको हमें करना क्या है, हम जैसे मान लीजिए ये सिलेक्शन बना लिया हमने, ये डिब्बों डिब्बों का सिलेक्शन बन चुका है, तो शिफ्ट दबा के एक बार यहाँ बीच में क्लिक करेंगे इस प्रकार से तो चारों तरफ का सिलेक्शन बन जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे चारों तरफ का सिलेक्शन बन चुका है। जैसे मान लीजिए वाइट में है ये, इस प्रकार से शिफ्ट दबाएंगे कीबोर्ड से और इस तरह से बीच में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ का इमेज का हमारा चारों तरफ से सिलेक्शन बन चुका है। लेकिन ये इमेज का नहीं है, बैकग्राउंड का है। अगर हमें इमेज का सिलेक्शन बनाना है तो यहाँ सिलेक्ट में आके इनवर्स पे क्लिक करेंगे तो इमेज का सिलेक्शन बन जाएगा। कंट्रोल जैसे कॉपी कर लेंगे, देखिए इस तरह से ये सिलेक्शन बन जाएगा। और तीसरी जो ट्रिक है फ्रेंड्स, उसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ इमेज में आके ऊपर मेनू बार में और एडजस्टमेंट्स पे आएंगे, यहाँ से रिप्लेस कलर है इस पर क्लिक करना है, रिप्लेस कलर है। सभी फोटोशॉप में ये ऑप्शन मिलेगा, पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक आई ड्रॉप्स है। फोटो को जूम करके यहाँ पे ग्रे कलर को सेलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड वाले को, यहाँ आई ड्रॉप से माउस से क्लिक करेंगे एक बार और हमें ऊपर फिजनेस को इस तरह से एक बार चेक कर लेना है, कम ज़्यादा करके देख लेना है, और नीचे लाइटनेस का एक ऑप्शन है, इसको हमें इस प्रकार से कर देना है तो बैकग्राउंड हमारी बिल्कुल वाइट हो जाएगी और ओके कर देना है। इस तरह से हमारी बैकग्राउंड वाइट होने के बाद मैजिक टूल से हम वन क्लिक में इसका सिलेक्शन बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे सिलेक्शन बन चुका है, और सेलेक्ट में जाके यहाँ पे इनवर्स पे क्लिक करके कंट्रोल जैसे कॉपी कर लेंगे, हमारी ये इस तरह से बैकग्राउंड तैयार, हमारी फोटो तैयार हो जाएगी और बैकग्राउंड को हम इस प्रकार से लगा सकते हैं। आप देखेंगे अब हमारी बैकग्राउंड यहाँ पे लग चुकी है। तो इस तरह से हम PNG जो बैकग्राउंड होती है उसको बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।